Long live Nepal India friendship. Thank you. Next, it is my honor to request the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to deliver his remarks. मेरे मित्र और नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री राइट ऑनरेबल केपी शर्मा ओली जी, दोनों देशों के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारीगण, और इस प्रसारण में दोनों देशों से जुड़े करोड़ों नागरिक भाई बहन, नमस्कार। कस्तोज है। सबसे पहले मैं ओली जी और नेपाल में हमारे सभी मित्रों को नववर्ष 2020 की शुभकामनाएं देता हूं। यह सिर्फ नया वर्ष ही नहीं बल्कि एक नया दशक शुरू हुआ है। मैं कामना करता हूं यह नया दशक आप सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु, प्रगति, प्रसन्नता और शांति लेकर के आए। दोनों देशों में संक्रांति का पर्व उल्लास के साथ पिछले हफ्ते मनाया गया। इस पर्व के अवसर पर भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। एक्सलेंसी, इस नए साल और नए दशक की शुरुआत में ही हम आज के इस शुभ कार्य में एक साथ शामिल हो रहे हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है। पिछले 5 महीनों में हम दूसरी बार दोनों देशों के बीच बायलेटरल प्रोजेक्ट का उद्घाटन वीडियो लिंक्स द्वारा कर रहे हैं। यह भारत नेपाल संबंधों के विस्तार और तेज विकास का प्रतीक है। फ्रेंड्स, नेपाल के चहुमुखी विकास में नेपाल की प्राथमिकताओं के अनुसार भारत एक विश्वसनीय पार्टनर की भूमिका अदा करता रहा है। नेबरहुड फर्स्ट मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है और क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को बढ़ाना इस पॉलिसी का एक प्रमुख ध्येय है। बेहतर कनेक्टिविटी का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब बात भारत और नेपाल की होती है, क्योंकि हमारे संबंध सिर्फ पड़ोसियों के ही नहीं है। जैसा ओली जी ने कहा, इतिहास और भूगोल ने हमें प्रकृति, परिवार, भाषा, संस्कृति, प्रगति और न जाने कितने धागों से जोड़ा है, और इसलिए हम दोनों देशों के बीच अच्छी कनेक्टिविटी हमारे जीवन को और नजदीक से जोड़ती है और हमारे दिलों के बीच नए रास्ते खोलती है। कनेक्टिविटी न सिर्फ देश के बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास के लिए एक कैटलिस्ट का काम करती है। नेबरहुड में मैं सारे मित्र देशों के साथ आवागमन को सरल और सुचारू बनाने और हमारे बीच व्यापार, संस्कृति, शिक्षा इत्यादि सभी क्षेत्रों में संपर्क को और सुगम बनाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। भारत और नेपाल कई क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे रोड, रेल और ट्रांसमिशन लाइन पर काम कर रहे हैं। हमारे देशों के बीच सीमा के प्रमुख स्थानों पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आपसी व्यापार और आवागमन को बहुत सुविधाजनक बना रही है। एक्सलेंसी, आईसीपी बनाने के प्रथम चरण में हमने बीरगंज और विराटनगर में
आईसीपी के विकास का निर्णय लिया था। बीरगंज की आईसीपी का हमने 2018 में उद्घाटन किया और अब विराटनगर में भी आईसीपी का शुरू हो जाना हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है। भारत की और रक्सोल और जोगबनी में पहले से ही यह सुविधा उपलब्ध है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम ऐसी और कई आधुनिक सुविधाओं का विकास करेंगे। एक्सलेंसी, 2015 का भूकंप एक दर्दनाक हादसा था। भूकंप जैसी प्राकृत आपदाएं मनुष्य की दृढ़ता और निश्चय की परीक्षा लेती है। हर भारतीय को गर्व है कि इस त्रासदी के दुखद परिणामों का सामना हमारे नेपाली भाइयों और बहनों के साहस के साथ किया। बचाव और सहायता में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की सक्रिय भूमिका के बाद भारत पुनर्निर्माण में अपने नेपाली साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। निकटतम पड़ोसी और मित्र के नाते यह हमारा कर्तव्य था और इसलिए गोरखा और नुवाकोट जिलों में घरों के पुनर्निर्माण में अच्छी प्रोग्रेस देखकर मुझे बहुत संतोष मिला। हमारी कोशिश रही है कि हम इन घरों को बिल्ड बैक बेटर के सिद्धांत पर बनाएंगे और अर्थक्वेक रेजिलिएंट टेक्निक्स, इसके इस्तेमाल से ये मजबूत और टिकाऊ बने। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च करने में भारत का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करना है। यह बहुत संतोष का विषय है कि भारत नेपाल सहयोग के अंतर्गत 50,000 में से 45,000 घरों का निर्माण हो चुका है। हमारी आशा है कि बाकी घरों का निर्माण भी शीघ्र पूरा होगा और इन घरों को नेपाली भाइयों और बहनों को जल्दी ही समर्पित किया जाएगा। अन्नपूर्णा रेंज में पिछले हफ्ते अवलांच से हुई हानि के लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और खोए हुए व्यक्तियों की कुशलता और उनके शीघ्र पता लगाने की कामना करता हूं। एक्सलेंसी, आपके सहयोग से बीते कई वर्षों में भारत नेपाल संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली है। हमारा सहयोग और विकास की पार्टनरशिप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही हमने कई नए क्षेत्रों में भी सहयोग शुरू किया है। मेरी कामना है कि नए वर्ष में आपके सहयोग और समर्थन से हम अपने संबंधों को और ऊंचाई पर ले जाएं और यह नया दशक भारत नेपाल संबंधों का स्वर्णिम दशक बने। एक बार फिर आपके अच्छे स्वास्थ्य और सभी सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपने मुझे जो निमंत्रण दिया, मैं गर्व महसूस करता हूं और एक मित्र के नाते आपने हर बार नेपाल मेरे आने के संबंध में हमेशा चर्चा की है। आपका प्यार भी मुझे खींच के ले आ रहा है, नेपाल के नागरिकों का प्यार भी खींच करके ले आ रहा है। तो मैं इस वर्ष पक्का कार्यक्रम बना रहा हूं और मैं जरूर आपके साथ कुछ समय बिताऊंगा। नेपाल के नागरिकों के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिलेगा। आज इस कार्यक्रम वीडियो संपर्क द्वारा जुड़ने पर मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अंतमा तपाई हुरो सबै लाई घेरे शुभकामना दिच्छु, फेरी भेट होला, नमस्कार। एक्सेलेंसीज,